लगभग बुलंदशहर के विजय पेट्रोल पंप के निकट किदवई नगर में जिला पूर्ति विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में जब्त किया राशन का चावल। फिर किदवई नगर स्थित एक बंद मकान में लगभग 6 क्विंटल चावल और ई रिक्शा में लदा हुआ करीब 2.5 क्विंटल राशन का चावल पूर्ति विभाग की टीम ने किया जब्त। पुलिस की मदद से खुलवाया गया बंद घर का ताला, साथ ही राशन की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा एक युवक। पूर्ति विभाग की टीम द्वारा मिली जानकारी के अनुसार राशन डीलर से खरीद कर चावलों की कालाबाजारी करता था युवक। इसी के साथ जानकारी देते हुए जिला पूर्ति निरीक्षक दिव्या सिंह ने बताया कि मकान मालिक अभी तक नहीं पकड़ाया है। तो अभी उपस्थित नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें सुबह से ही सूचना मिली थी कि कार्ड धारक यहाँ पे जो उनको राशन के तहत जो चावल मिल रहा है उसको बेच के या फिर उसको गेहूँ से बदली करके ले जाते हैं। ये शासन की जो लगातार जो प्रदेश सरकार है वो दावे कर रही है कि जो पूर्ति विभाग है वो पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा है, तो मानते हैं कहीं ना कहीं राशन धारकों की ये जिम्मेदारी बनती है जो कोटे धारक है। ये जब नहीं जो कोटेदार से तो हम पूरी शत प्रतिशत वितरण कराने में सफल हो रहे हैं, लेकिन अगर हम जिस कार्ड धारक को उसके हिस्से का राशन दिला रहे हैं अगर वो उसको खाने की जगह नहीं उपयोग कर रहा है और उसको बेच के कुछ और काम कर ले रहा है तो ये जो शासन की मंशा है उसके प्राथमिक जांच में क्या निकल गया है कि किसी राशन धारक से इन लोगों ने खरीदा है या फिर जो आम लोग हैं राशन बेचते हैं उन लोगों से इन लोगों ने खरीदा? जो राशन धारक हैं कार्ड धारक हैं अधिकतर वही लोग यहाँ पे आए हुए हैं और एक ई रिक्शा में भी कुछ माल पकड़ा गया है जो कि कार्ड धारकों का ये अलग। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन।